उत्तराखंड में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई ब्रेन चाइल्ड देवभूमि डायलॉग जैसी नवोन्मेषी पहल के साथ साथ सरकार 20 अप्रैल से एक बार फिर से युवाओं और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हुए साधना उत्तराखंड के स्टेट है धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बात की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट से। अपने राज्य को अपने दम पर आगे ले जा रहे हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवभूमि डायलॉग का जो एक नया आइडिया इस प्रदेश को दिया है उसका बेहतर प्रचार प्रसार हम जनमानस के बीच कर पाएंगे। और प्रचार प्रसार की सबसे बड़ी कुंजी या सबसे बड़े शिल्पकार तो आप लोग हैं, इसलिए आप शिल्पियों से भी मेरा अनुरोध होगा, आप लोग आइए, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वालिटी फीड हम हमारे साथ हैं उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट जी, जो कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होने वाले देवभूमि डायलॉग के मुख्य रचनाकार कहे जा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्पभाषी किंतु स्पष्टवादी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। अल्पभाषी उनकी एक छवि बन गई है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं देखा जाए तो लगातार समाज के विभिन्न तबकों से हर वर्ग से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका बहुत कुछ जो श्रेय है उनकी युवा टीम को जाता है, उनकी टीम में बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। रैबार जो गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है संवाद, उसके बाद आपका बजट आपकी राय और अभी उसी के क्रम में देवभूमि डायलॉग, यह बताता है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, समाज के हर तबके को शासन में सत्ता में राज्य को चलाने में उनकी भागीदारी स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए संवाद की जो प्रक्रिया निरंतर चल रही है। देवभूमि डायलॉग का क्या कंसेप्ट है, इसमें कौन लोग भाग लेंगे, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं भट्ट जी। आइए भट्ट जी से बात करते हैं। भट्ट जी, देवभूमि डायलॉग यह किस तरह का प्रोग्राम है, इसका क्या कंसेप्ट है, किस तरह के लोग इसमें भाग लेंगे और इसका राज्य के विकास में क्या भविष्य में चल करके योगदान होने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कल्पना थी कि समाज के हर वर्ग से एक स्वस्थ संवाद स्थापित किया जाए और इसी कड़ी में जैसा कि आपने भी कुछ नाम लिए, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत की, रहबार कार्यक्रम किया, आपकी राय आपका बजट किया और अब देवभूमि डायलॉग, और हर महीने विभिन्न वर्गों के साथ मुख्यमंत्री जी स्वयं संवाद करेंगे, अपने विचारों के साथ साथ ज़्यादातर उनके विचारों को सुनेंगे। वही इस कार्यक्रम के असली रचनाकार हैं, उनका ही ये सुझाया गया देवभूमि डायलॉग है जिसमें उन्होंने कहा था कि खासकर युवाओं को, क्योंकि उत्तराखंड 18 वर्ष में प्रवेश कर गया है, आने वाले समय में ये पूरा राज्य एक उत्तराखंड के युवाओं के कंधों पर होगा इसकी जिम्मेदारी, इसलिए सबसे पहले उन्हीं से संवाद किया जाए, उन्हें समझा जाए कि वो कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, किस तरह की नीतियाँ चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं, कार्यक्रम किस तरह के बनने चाहिए, उनके दिमाग में क्या कुछ है इस राज्य के लिए, वो किस तरह की सोच रखते हैं इस राज्य के लिए, ये सारी बातें उन्होंने कहा था इस देवभूमि डायलॉग में आनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए उन लोगों को आमंत्रित किया है जो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं, हाक से जुड़े महेंद्र जी हैं, आप सरकार से जुड़े कई लोग इसमें शामिल हैं जो प्रेजेंटेशन देंगे और खुद कल 2 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी इन युवाओं के साथ मंथन करेंगे राज्य के विकास को लेकर। मैं समझता हूँ राज्य के 18 साल में ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम ने एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया है और आने वाले समय में जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ेगा। मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं कि आखिरी व्यक्ति तब भी विकास की किरण पहुँचनी चाहिए, वो संकल्प जरूर पूरा होगा। रमेश जी, जिस तरह से मोदी जी मन की बात से लोगों से जुड़ते हैं, हालांकि वह वन वे कम्युनिकेशन है और ये टू वे कम्युनिकेशन, इसमें मुख्यमंत्री जी संवाद भी स्थापित करेंगे और प्रश्न भी होंगे और उसका जवाब भी देंगे, क्या उसी तरह का ये कार्यक्रम हो सकता है? पहले तो मन की बात कभी भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहा, माननीय प्रधानमंत्री उन विचारों को प्रकट करते हैं जो जनमानस अपने विचार उन तक पहुँचाता है और उन्हीं विचारों को वो सामने रखते हैं, तो वो तो परफेक्टली टू वे कम्युनिकेशन है और ये भी परफेक्टली टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ आप सोचिए पहाड़ों के युवाओं को यहाँ बुलाकर उनके साथ संवाद कर उनको एक टीम के रूप में रखकर उनसे आइडियाज़ लेकर उनको विश्वास दिलाकर कि सरकार आपके साथ है,
उनको ये विश्वास दिलाकर केवल मत प्रयोग करना आपका अधिकार नहीं है, अभिमत प्रकट करना भी सरकार के कार्यक्रमों में आपका काम है। तो ये नायाब सोच जो है इसका नाम है देवभूमि डायलॉग। और हमने देवभूमि डायलॉग पेज बनाया है, हैशटैग देवभूमि डायलॉग रखा है, उससे जुड़कर आप भी अपने विचार रख सकते हैं। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल रमेश जी, जनमत बहुमत देता है और बहुमत अगर अभिमत की ओर उन्मुख हो रहा है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को लेकर बहुत संवेदनशील और बहुत हद तक वो भावुक भी हैं, बहुत सारे मंचों पे उनको लोगों ने भावुक होते हुए देखा है। तो ये जो देहरादून में जो आयोजन हो रहा है, क्या इसके अन्य जो है जो पहाड़ के जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं, क्या इसको वहाँ तक भी ले जाने की कोई योजना है? देवभूमि डायलॉग का ये पहला चैप्टर यहाँ शुरू होने जा रहा है और बाकी चैप्टर सब पहाड़ों में होने जा रहे हैं। जैसे अगर कल्चर में करेंगे तो हमने अल्मोड़ा या पौड़ी उसके लिए डिसाइड किया है, टूरिज्म पे करेंगे हमने चमोली या उत्तरकाशी उसके लिए डिसाइड किया है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो हैं ये पहाड़ों में ही अब होंगे, इसलिए ये भी मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि पहाड़ों में बैठकर इन कार्यक्रमों की रचना करना, इनके बारे में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से फीडबैक लेना, ये इस कार्यक्रम का मूल मकसद है। हम पहाड़ों में ही जाएंगे और पहाड़ों में ही लोगों से बात करेंगे। साधना प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, जो देवभूमि डायलॉग के आयोजनकर्ताओं में प्रमुख रोल में है। किसी थिंकर का मैंने सुना था कि वाद प्रतिवाद और फिर संवाद, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, लेकिन यहाँ सरकार सीधे संवाद पे आई है और समाज के अलग अलग वर्गों से संवाद करने के अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आने वाले समय में निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम होंगे, हम ऐसी आशा कर सकते हैं। देहरादून से साधना प्लस के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह।